सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर, प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आप सब जानते हैं कि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, हे बोझ से थके हारे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और चंगियाई दूंगा। तो आप सब ब्लेस हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें। इस चैनल पे जब मैं प्रोफेट विजेंद्र सिंह जी की वीडियोस डालता हूँ, शेयर करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं या जिन तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है, उन तक सुसमाचार पहुंचाया जाए। प्रभु जी भाई बता रहे हैं, इन्हें काफी समय से हार्ट की प्रॉब्लम थी। जब ये चर्च में इन्होंने प्रोफेसी को रिसीव किया, अनंटिंगल वाटर को विश्वास के साथ यूज किया, ये बता रहे कि इनकी रिपोर्टें नॉर्मल आ चुकी हैं। बीमारी से क्यों डरो, तचारी से क्यों डरो, तूफानों से क्यों डरो, मेरा यीशु जो कितने। हाँ जी, हाँ जी, बताएंगे, शाबाश। मेरी एक गवाही है जी, क्लेश जी को जय मसीह की जी, पास्टर जी को जय मसीह की जी, जय मसीह की। मेरे को जी हार्ट में दिक्कत थी और 1 ईयर से, हाँ हाँ, मैं चर्च में आया जी और यहाँ से ऑयल और वाटर यूज किया जी। ऑयल वाटर यूज किया, अभी वो हार्ट की प्रॉब्लम खत्म होगी, खत्म होगी। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ, आप देख रहे हैं किसके पास रिपोर्टें हैं, कोई चेक कर सकता है। पहले वाली रिपोर्ट और अब की रिपोर्ट, दोनों रिपोर्टों में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बताई। क्या बताया था डॉक्टर ने, वाल चेंज करने पड़ेंगे? यस। और आज आप देख सकते हैं अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया, बिल्कुल रिपोर्टें नॉर्मल हैं। तारीफ करो परमेश्वर। खुदावंत के लोगों तालियां बजाओ, तालियां बजाओ। खुदावंत के लोगों मत शर्माओ, तालियां बजाओ। अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि तालियां बजाओ यीशु के नाम में, खुदावंद के लो। हाँ हाँ, गवाही के साथ। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत ही अद्भुत गवाही है। हाँ ये भाई बता रहे हैं कि 2 साल से दोनों जन यूएसए के वीजा के लिए ट्राई कर रहे थे, रिफ्यूजल आ रहा था। हाँ। विश्वास के साथ स्पेशल बीज वो कर ले, एंड प्रेयर हुई, परमेश्वर ने यूएसए के वीजा के साथ ब्लेस किया। कदे आया करो, कदे जाया करो, कदे आया करो, कदे जाया करो, यीशु नाम विच पंगड़े भी पाया करो, यीशु नाम विच पंगड़े भी पाया करो, यीशु नाम विच पंगड़े भी पाया करो। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं, देखो आपके सामने स्पेशल बीज बोकर ले एंड प्रे कराई, दोनों पति पत्नी का यूएसए का वीजा आ गया। बोला हालेलुया, हालेलुया। पर इनके चेहरे पे स्माइल नहीं है, नहीं खुशी नहीं है। हाँ बताएंगे, शाबाश, गवाही के साथ। कहाँ से आए आप? हरियाणा से जी। अच्छा, हरियाणा से आए, तभी शर्मा रहे, हरियाणा वाले बहुत शरीफ होते हैं बेचारे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ हालेलुया। हाँ हाँ बेटे बताओ। हरियाणा से आए जी, कैथल जिला से जी। हाँ हाँ, मेरा नाम रेख हरानी है जी, यूएसए का फैमिली भी जमी गई। कैसे मिल गया बबो? नू कुकर हो गया तेरा काम जी। हैं? 2 साल पहले ले एंड प्रे, आपने ले एंड प्रे कराई, बोल रही है स्पेशल बीज बोकर, और आज गवाही के साथ आई है, यूएसए का वीजा दोनों का लग गया। जोर से तारीफ करो। कदे आया करो, कदे जाया करो, कदे आया करो, कदे जाया करो, ये सुनाम विच पंगड़े भी पाया करो, ये सुनाम विच पंगड़े भी पाया करो। हालेलुया। हाँ जी, हाँ जी, शाबाश, गवाही के साथ नेक्स्ट। हालेलुया। प्रभु ये भाई अपनी मदर की गवाही दे रहे हैं, ये बता रहे हैं 7 महीने से इनकी राइट किडनी में स्टोन था, और उन्होंने जब प्रोफेसी को रिसीव किया और बता रहे कि वो किडनी में से पथरी बाहर आ चुकी है। जिसको छोड़ूंगा पवित्र कर दूंगा। कहाँ से आए बताएंगे शाबाश? मैं चंडीगढ़ से आया हूँ, मलोए से। आपने प्रोफेसी की थी 10 तारीख को, अपने बर्थडे के दिन की स्टोन निकल जाएगा जिसके भी हैं, और मेरी मम्मी ने उसको एक्सेप्ट किया और अगले सुबह ही निकल गई पथरी। मम्मी की निकली तेरी? मम्मी की, मम्मी की निकल गई। तारीफ करो जोर से यीशु के नाम में। देखो आपके सामने भविष्यवाणियां सुनते हैं लोग, आजाद हो रहे हैं। आपके सामने यहाँ पर लाइन लगी हुई थी, किसी का घर आया, किसी को प्लॉट मिले,
किसी की जॉब लगी, आपके सामने गिल्टियां रसोलियां ले हैंड करते ही औरतें गवाहियां दे रही थी, क्योंकि रसोली की वजह से, गांठों की वजह से, गिल्टियों की वजह से, थायराइड की वजह से कई बार लोग आशीषित नहीं होते। हालेलुया। और ये आपके सामने रिपोर्ट में अभी इसी समय मोबाइल में लेकर आए, पत्रियां बाहर आ गई हैं, जोर से तारीफ करो। नेक्स्ट, प्रभु जी भाई बता रहे, दो साल से यूरोप के वीजा के लिए ट्राई कर रहा था, लेकिन जैसे ही स्पेशल बीज वो कर लेकिन प्रेयर हुई, परमेश्वर ने यूरोप के वीजा के साथ ब्लेस किया है। तते हु करके, तते हा करके, तते हु करके, तते हा करके, सारे तालियां बजाओ लंबी बा करके, लंबी बा करके, बजाओ लंबी बा करके, सारे तालियां बजाओ लंबी बा करके, ओ पिता जो आनंद ये सुने जावे ना किसे तो चक्रे दे कर भी यीशु मसीह का आनंद आ जावे आज। आमीन बोलने वाले आनंद को रिसीव करो। आमीन। हाँ, मैं देख रहे हैं आप इस समय, मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी के वीजा नहीं लग रहे आ जाना मेरे चर्च में, गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। आप भी ले हैंड प्रे करा कर अपने कामों को खुलवा सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, शाबाश प्रभु जी, बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रहे कि 3 साल से इनके पित्ते में पथरी थी और लीवर में गांठे थी और डॉक्टर ने कहा था दोनों का ऑपरेशन होगा, पर जब चर्च में आए इन्होंने विश्वास के साथ एनएनडी ऑयल वाटर लिया, वो पथरी और गांठे धुआं बन के उड़ चुकी है। बीमारी से क्यों डरूं, सचारी से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों। हाँ हाँ, गवाही के साथ। पापा जी ने जय मसीह की, सारे कलेसियों ने जय मसीह की। मैं हरियाणा से आई हूँ, सोनीपत मेरा जिला है, बैसवान खुर्द मेरा गांव है, मेरा नाम बबली है। गांव का नाम क्या? बैसवाल। बैसवान खुर्द। बाप का नाम भी पता देखिए है, किरसन है जी। हालेलुया, ठीक है, गांव का भी अपना भी। हाँ जी, गुड गुड। हाँ शाबाश जी, मेरे लीवर में गांठे थी, पित्त की थैली में पत्थरी थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। मैंने, एक भाभी ने मुझे बताया चर्च के लिए आने के लिए, मैंने वाइल और वाटर यूज किया और मैं विश्वास के साथ चंगी हो चुकी हूँ। तारीफ करें जोर से। देखो आपके सामने दिखा रहा हूँ कि ये बहन की रिपोर्टें, पहले वाली ये बता रही है कि रसोलियां, गिल्टियां, गांठे और क्या था लीवर में, गांठे थी। और ये देखो इस रिपोर्ट में यहाँ पर, अगर आपको किसी को यकीन नहीं है, कैमरा जूम कर, शाबाश। हाँ, ये वाला देखो, ये रिपोर्टें लिखी हुई हैं यहाँ पर, सारा कुछ बताया डॉक्टर ने। और ये वाली रिपोर्ट आप देखो, नॉर्मल है जी, नॉर्मल है, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाने के बाद। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रॉफिट जी बहुत ही अद्भुत गवाही है। ये सिस्टर बता रहे 3 साल से गॉल ब्लैडर में स्टोन था और डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोला था कि आपका गॉल ब्लैडर रिमूव करना पड़ेगा। बता रही मैंने एनर्जिंग ऑयल वाटर यूज किया, प्रोफेसी को रिसीव किया, परमेश्वर ने नॉर्मल रिपोर्ट के साथ ब्लेस किया है। देख रहे हैं आप पथरियां, रसोलियां, गिल्टियां कैसे गायब हो रही हैं। बेटे कहां से आए आप? दिल्ली से। दिल्ली से, क्या प्रॉब्लम थी? मुझे पित्त की थैली में पथरी थी 3 साल से। देखो पित्ते में से पथरियां बाहर नहीं आती, कितने लोगों को पता, उसको ऑपरेशन ही कराना पड़ता है। लेकिन आप सर्जरी के लिए बोला था, डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोला था जी। फिर कैसे मिली आशीष? सर मैं यहाँ पर प्रोफेसी के लिए बैठी हुई थी, आप ग्राउंड में आए और मैंने प्रोफेसी को रिसीव किया और 2 तारीख को आई थी, 2 जुलाई को। उसके बाद 7 तारीख से बीमार पड़ी और 9 तारीख को मैंने जो अल्ट्रासाउंड करवाया उसमें रिपोर्ट नॉर्मल आई। तारीफ करें जोर से यीशु के नाम में। आप देख रहे हैं कि एनॉइंटिंग वाटर ऑयल यूज करने के बाद यहाँ पर हर एक जन, कोई कहीं से आ रहा है और गवाहियां दे रहे हैं कि परमेश्वर ने, जो बीमारी का इलाज कहीं नहीं है, मैं कह रहा हूँ वो यहाँ पर है यीशु मसीह के नाम में। आजाद हो जाओ, हालेलुया बोलकर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, हालेलुया। प्रभु जी भाई बता रहे हैं कि 15 साल से इनके पास कोई भी बच्चा नहीं था और जब ये चर्च में आए इन्होंने विश्वास के साथ प्रोफेसी को रिसीव किया, रनिंग ऑयल वाटर को यूज किया और ये बता रहे हैं ट्विंस बेबी के साथ ब्लेस हो चुके हैं। आया करो, तते छाया
छाया करो कदे आया करो कदे छाया करो ये सुनाम विच पंगड़े भी पाया करो ये सुनाम विच पंगड़े भी पाया करो मेरी खुशियां दी कोई हद नहीं सोना ये सुनीले नाले है मेरी खुशियां दी कोई हद नहीं सोना ये सुनीले नाले है नाले है यहोवा मेरे 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 बोलो यीशु मसीह की। देखो आप वो कितनी बड़ी गवाही सुना रहे हैं, कितने 22 साल के 21 साल 15 साल से कोई बच्चा नहीं था और ये मेरे चर्च में आकर स्क्रीन पर देखो मेंबर बन गया और यहाँ पर वॉलंटियर बन गया और ये 4 साल से मेरे चर्च में आता रहा और जब मैंने इसको आशीर्वाद दिया जरा इसको जूम करके दिखा लोंडे को दिखा दोनों सलमान खान एक जैसे हैं देखो देखो भाई साहब दोनों जुड़वा पैदा हुए जुड़वा और एक नहीं दोनों कभी से तो खोया आरी 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 यसूदया लोका दी बस यसु मसीह नाल यारी यसूदया लोका दी बस यसु मसीह नाल यारी यसूदया लोका दी बस यसु मसीह नाल यारी झूम झूम के नाचो गाओ झूम झूम के नाचो गाओ झूम झूम नाचो गाओ झूम झूम के नाचो गाओ गाएंगे यसु दे गुण गाएंगे नाचेंगे गाएंगे यसु दे गुण गाएंगे नाचेंगे गाएंगे यसु दे गुण गाएंगे नाचेंगे गाएंगे हालेलुया हालेलुया। बैठ जाए सब बैठ जाए शाबाश गवाही सुनेंगे। हरी कलीसिया को जय मसीह की, प्रॉफिट जी को जय मसीह की। हाँ हाँ। मेरे पास 15 साल से कोई भी बच्चा नहीं था तो फिर मेरे मकान मालिक ने मेरे को यहाँ के बारे में बताया कि आप उस चर्च में जाओ, वो भी इस चर्च के मेंबर ही हैं। तो मैं जहाँ पे आया और प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया और 15 साल बाद मुझे ट्विंस बेबी के साथ ब्लेसिंग दी। हालेलुया सुनिए जामे ना किसे तो हालेलुया। इसकी वाइफ हर बार आती थी और बोलती थी, सेवा करती थी चर्च में, कहती सबको बच्चे हो जाते हैं, मेरा नंबर कब आएगा। मैंने कहा जितनी बार मिलती थी उतनी बार ही सिर पे हाथ रखवाती, मैंने कहा जा तेरा भला हो जा भला हो जा। 2 साल हो गए भला नहीं हो रहा था, फिर मैंने कहा यार अब किसके लिए कोई बढ़िया सी प्रेयर करनी पड़ेगी। एक दिन मैंने ऑफिस में बुलाया और मैंने कहा लेट जा और इसके पेट पे हाथ रखा, आज गुड न्यूज है एक नहीं 2 बच्चों के साथ है। कदे आया करो कदे जाया करो कदे आया करो कदे जाया करो ये सुनाम विच पंगड़े भी पाया करो ये सुनाम विच पंगड़े भी पाया करो झूम झूम के नाचो गाओ 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 नाचेंगे गाएंगे यीशु से गुण गाएंगे नाचेंगे गाएंगे यीशु से। हालेलुया, जो नाच रहे हैं उनके घर में भी बेटे हो जाएं। सारे बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, आप नहीं चाहिए तो अपने पड़ोसियों को आशीर्वाद दे दो, जिसको चाहिए अपने रिश्तेदारों को आशीर्वाद दे दो आज। हाँ हाँ, पूना ब्रांच, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, गवाही के साथ महाराष्ट्र ब्रांच, गुजरात ब्रांच। हाँ, तुझे 2 बच्चे हो गए मेरे लिए, आज अप्रैल फूल तो नहीं है। ठीक है गुड गुड, जो लाया परमेश्वर तेरे को आशीष दे। जाओ जाओ शाबाश, अपने हाथों को उठाओ, जो जोर से तारीफ करो जोर से। इसकी पत्नी रो रही है, जरा ये रो रही है बेचारी, क्योंकि इसको पता है औरत को ही पता होता है दुख, आदमी तो वैसे ही झोला छाप नहीं। देखो ये बेचारी रो रही है, इसको पता है कि कितनी मुश्किल से इसने पाया है और एक नहीं दो दो, सब का फल मीठा होता है कि नहीं। चर्च 4 साल ये चर्च में से भाग भी सकती थी, ये कह भी सकती थी कि यीशु मसीह सुनता नहीं है। बहुत सारे लोग परमेश्वर के साथ चलते नहीं है। सारे बोलो हालेलुया, समझ रहे हैं, परमेश्वर के साथ चलता नहीं है, चलता नहीं है। कितने दिन चलेंगे पता नहीं, चल कितने दिन चलेंगे, लेकिन 4 साल लगातार चर्च में आती रही, परमेश्वर ने आज 2 बच्चे दिए हैं। सारे बोलो हालेलुया। इधर दिखा, मुंह दिखा, उधर दिखा मुंह, शाबाश, एक नहीं 2 है, दूसरा कहां है। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में। जाए जाए शमशान। खुशियां दी कोई हद नहीं सोना। मैंने क्या कहा था, खुशियों की कोई हद नहीं होगी आज। हाँ जी हाँ जी शाबाश हालेलुया। हाँ प्रॉफिट जी, बहुत ही अद्भुत गवाही है।
ये सिस्टर बता रहे हैं एक्सीडेंट के कारण फुल बॉडी पैरालाइज हो गया था और डॉक्टर ने बोल दिया था आपके दोनों लंग्स भी बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं और गले का एक ऑपरेशन भी हुआ और डॉक्टर ने बोला था आप जिंदगी भर बोल नहीं पाओगे, लेकिन इनकी फैमिली विश्वास के साथ इनको बेड पर चर्च में लेकर आई, स्पेशल बीच बोकर जब ले हैंड प्रेयर करवाई, आज ये बहन बिल्कुल चंगी हो चुकी है। बोलते रसूले जिंदगी बदल देता है। लोगों का दिमाग खराब नहीं है, कोई छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, बेंगलोर से, महाराष्ट्र से, पंजाब से, दिल्ली से, हरियाणा और यूपी की तो लाइन ही लगी हुई भाई साहब, इनका दिमाग खराब नहीं है, यहाँ पर आते हैं जिंदगियां दे रहे हैं परमेश्वर प्रार्थना करने के बाद। yes. मरने वाली थी औरत, बेड पर लेकर आए थे, इसके पास वीडियो भी होगी, मेरे पास है, ले हैंड प्रे किया, डॉक्टर जवाब दे रहा था इसलिए रो रही है, घुटने के टेक कर धन्यवाद कर रही है। बताएंगे बेटे शाबाश, हाँ कैसे मिली आशीष, कहाँ से आए? मैं वेस्ट बंगाल से हूँ पापा। कोलकाता से आई है, ताड़ी बजाएंगे जोर से, हालेलुया। जो रोपड़ से आते हैं वो भाई साहब कहते हैं ओहो फिर जाना पड़ेगा चर्च में, और ये देखो कोलकाता से आई है, कहाँ से आई है? हाँ हाँ शाबाश बताएंगे। 2018 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसमें हमारा पैर पूरा बॉडी पैरालिसिस में चला गया था, घर वाले बोले थे बचेगा नहीं, डॉक्टर ने मना कर दिया था और दो टॉन्सिल भी हमारा काट के निकाल दिया था, डॉक्टर ने बोला था कभी बोल नहीं सकता है और अब नज़दीक भी जो रहता था मेरा बात नहीं सुन पाता था और लंग्स भी डैमेज हो चुका था कोरोना के कारण के बाद से, 60% डैमेज था मेरा लंग्स और मेरा हार्ट काम नहीं करता था। 3000 डोज हम इनहलर के लेते थे, आज पापा ने मेरा स्पेशल ले हैंड किया, आज परमेश्वर की दया से आज हम सबके सामने खड़े हैं और ऊंची आवाज़ से सबको बोल पा रहे हैं कि मैं आज सुन पाते, मेरी आवाज़ सब लोग सुन पा रहे हैं, मेरा सांस जो है आज सबके सामने, आप सबके सामने जिंदा मैं खड़ा हूँ। डॉक्टर बोल दिया था 3 महीने के बाद ये मर जाएगा। पापा का पैसा ले हैंड आज सबके सामने हमें मौजूद करके रखा है, परमेश्वर के हम धन्यवाद करते हैं। मेरा जीवन यीशु जी इस पर खड़ा है, मैंने यीशु को हालेलुया हालेलुया देखा, क्या कह रही है कि पापा ने ले हैंड किया और मुझे जीवन दान मिला, हालेलुया जवाब मिल गया था इसको। मैं ये कह रहा हूँ कि काम करने वाला हूँ, ऊपर वाला है, आपकी नाम धराई कोई कर रहा है आज, उसको आई बो कर दो, बोलो आई बो। आई बो समझते हैं, जब पतंग कटती है तो उसको बोलते हैं आई बो, सारे बोले हालेलुया। इसका मतलब ये है कि आप आई बो करने वाले हैं, सारे बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो आई बो, तेरे अंदर से आ रही है मुझे बो। कैसी बो आ रही है पता है, अविश्वास की बदबू। बहुत सारे लोगों के पास यीशु मसीह गया, लाजर एक जगह मर गया था, मुर्दा था, और वो यीशु मसीह से बहुत प्यार करता था, उसका दोस्त था, और उसी समय जब वो गया तो उसकी माँ, उसकी बहनें मार्था तो मरियम रो रो कर कह रही थी, गुस्से में भी आ गई, बोल रही थी कि यीशु मसीह तू यहाँ होता मेरा भाई ना मरता। लेकिन उसने क्या कहा, उसने कहा मुझे तेरे अंदर से बदबू आ रही है, सड़ैंद आ रही है। उसने कहा मैं तो आज ब्रुश करके आई हूँ, कितने लोग ब्रुश नहीं करके आए आज, झूठ क्यों बोल रहे हो, दंतन तो किया होगा, लेकिन बहुत सारी बदबू आपके मुंह से आए, कांछों में से आए, सिर में से आए, दही लगा के आ जाते हैं चर्च में, आप कैसे भी आए, कपड़ों में से आए बदबू, लेकिन आपके अंदर से बदबू विश्वास वाली, मैं कह रहा हूं अविश्वास वाली बदबू नहीं आनी चाहिए, हालेलुया। समझ रहे हैं, आप यहां पर बैठे हैं तो विश्वास करके बैठे हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मुझे तेरे अंदर से अविश्वास की बदबू आ रही है, इसलिए करे कि यह चंगा नहीं हो रहा, करे जिसके अंदर अविश्वास की बदबू आएगी तो वो आई बो, हालेलुया, इस दुनिया से आई बो हो जाता है वो। देखो आप वो बता रही है, कह रही कि मेरे को उम्मीद नहीं थी, इसको ऐसे लेकर आए थे, डॉक्टर कहता क्या पता टांग भी काटनी पड़े, मेरे अब ध्यान आ रहा है इस औरत के बारे में, पता नहीं ये बचेगी कि नहीं। मैंने कहा जाओ ले जाओ, मैं इतनी फालतू बात नहीं करता, बस हाथ रखता हूँ और गुस्से में चला जाता हूँ, सारे बोले हालेलुया। विश्वास करना है, क्योंकि काम करने वाला परमेश्वर है, ये मेरे ऊपर गिफ्ट है, अगर कोई प्रॉब्लम में है आ जाना मेरे चर्च में, ले हैंड प्रे कराना, आजाद हो जाओगे। दुखों दे बेले तेरी यहोवा सुने दुआ, दुखों दे बेले तेरी यहोवा सुने दुआ, हाथ रख के सभी जब तेरी बता, हाथ रख के बोलो जब तेरी बता, तू बता खुदा, दुखों दे बेले तेरी
आपका नहीं है, ये हाथ आपका नहीं है, ये हाथ यीशु मसीह का आपके सिर के ऊपर। जिसने सिर पे हाथ रखा हुआ है, परमेश्वर मेरा सच्चा रब उसके ऊपर हाथ बनाए हुए है यीशु मसीह के नाम में। आपको पता लगेगा थोड़ी देर के बाद, प्रार्थना करने के बाद बोझ हल्का हो जाता है। आपके सिर पे जब हाथ रखा है आपका बोझ हल्का हो गया आदि यीशु के नाम में। हाँ हाँ, कौन सी ब्रांच है वो मुझे दिख रही है स्क्रीन पर। हाँ शाबाश, पूना ब्रांच, गुजरात ब्रांच, अहमदाबाद ब्रांच, लिखा करना। हाँ, गवाही के साथ जल्दी जल्दी। प्रोफेसर जी भाई बता रहा है कि 5 साल से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहा था, पर जब इसने प्रोफेसी को रिसीव किया, प्रोफेसी कर रहे थे, इनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी, लगने जा रही है, इन्हें प्रोफेसी को रिसीव किया, 5 साल बाद गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस हो चुका है। तो जो आनंद ये सुने पापा जी को धन्यवाद, मेरे बेटे को सरकारी जॉब के साथ प्लेस हुआ। प्रभु यीशु मसीह, कहां से आया? दिल्ली से। दिल्ली से 5 साल से ट्राई कर रहे थे, नहीं मिली थी गवर्नमेंट जॉब, कैसे मिली आशीष ये? यहाँ आने से। यहाँ आने से आती हुई दुनिया है यहाँ पर, क्या लिया यहाँ से? अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया के ले हैंड प्रे कराई थी? के ले हैंड कराई थी? ले हैंड प्रे नहीं करवाई, अनॉइंटिंग वाटर और तेल। इसने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया और बता रहे हैं, कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब के साथ आए हैं। स्क्रीन पर दिखा इसकी फोटो, जरा स्क्रीन पर दिखा मोबाइल में इसके स्क्रीन पर। हाँ जी बोलो बेटे, बोलो। सर मैं 5 साल से ट्राई कर रहा था। हाँ हाँ, मैं भी 7 साल से ट्राई कर रहा हूँ, मैं लग नहीं रही। हाँ सोच रहा है मांगना छांगना बंद करे। ये देखो आपके सामने, देखो स्क्रीन पर, देखो दिखा दे, इधर दिखा, पैर घर जाके छूना अभी नहीं, रुक जाओ। भारत सरकार की नौकरी लगी है इसकी, और ये देखो कहाँ से आया भाई, कौन से महकमे में लगी है? सर्वे ऑफ इंडिया सर। ये देखो निदेश, आप सुन रहे हैं, ये पता नहीं क्या क्या है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब लगी है इसकी। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ जोर से, तारीफ करो। आया करो कदे, जाया करो कदे, आया करो कदे, जाया करो बेटे। हाँ शाबाश। जी लाइन लगी है, सालों साल से इनके पास बच्चे नहीं थे, बता रही है आपने आगे बुलाकर इनके लिए प्रेयर किया और किसी का स्पेशल एंड प्रेयर हुई, परमेश्वर ने बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। आया करो कदे, जाया करो कदे, आया करो कदे, जाया करो, ये सुनाम विच भंगड़े भी पाया करो, ये सुनाम विच भंगड़े भी पाया करो। दिता जो आनंद ये सुने, चावे ना किसे तो खोया, आरी 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 आरी, यसूदेया लोता दी पसी, यसू मसी नाले यारी, यसूदेया लोता दी पसी, यसू मसी। आपके सामने 10 साल से बेबी बॉय नहीं था बेटे, कहाँ से आया? कहाँ से है? प्रवर बोल, गला खराब। मिक्स की गोली खा के आया करो। हाँ पटियाला डिस्ट्रिक्ट से आए हैं जी, हल्का पटियाला डिस्ट्रिक्ट से, हमारा गांव है सुधारनपुर। इतना लंबा नहीं पूछा मैंने, सिर्फ ये बता दो पंजाब से आए हो? पंजाब से। पटियाला से आए हो? हाँ। टाइम कम है बेटे, तो 10 साल से आपके पास बेटा नहीं था? हाँ जी, 2 बेटियां हैं, मैंने पूछा ही नहीं आपसे। उसके बाद बेटा चाहते थे ना, तो यहाँ पर क्या कैसे मिला बेटे? क्या लाइव मीटिंग देखी थी, प्रोफेसी को रिसीव किया हमने। हाँ। और नून और पानी, नून नमक पानी की प्रेयर हो रही थी, मैंने पानी पिया उसके साथ, मेरे बेबी बॉय इसने नून लिया और पानी लिया और प्रेयर किया, इसको बच्चा हो गया, बेटा मिल गया। हाँ सही है, तारीफ करो जोर से यीशु के नाम में। हाँ 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 बेटे, कहाँ से है? पापा जी हमारे शादी को 15 साल हो गए, तूने तो नून पानी दिया, बच्चे नहीं है मेरे। बच्चे नहीं है, फिर कहाँ खड़ी हैं यहाँ पर? पापा जी जय मसीह की, सारी के लिए शुक्र, जय मसीह की। इतना टाइम नहीं, कहाँ से आए बेटे आप? जीरकपुर से। जीरकपुर से आई पंजाब से, कितने साल से बच्चा नहीं था? 3 साल से। 3 साल से यूट्रस में सिस्ट भी बताया था आपको, 4 साल लिखा है और 4 साल से यूट्रस में सिस्ट था, 3 साल से बच्चा नहीं था। एप्पल मीटिंग रिसीव किया, 5वें महीने में आप प्रेग्नेंट हैं, आप 5 महीने हो गए हैं, ये सबूत है, सर्टिफिकेट के साथ आई है, प्रेग्नेंट है। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। हाँ बेटे कहाँ से आए? सर मुंबई से आए। मुंबई से आया, स्पेशल लैंड ब्रेक कराया आपने? हाँ बताएंगे। फरवरी में 2022 में पहली बार हम यहाँ पे आए थे। हाँ हाँ, पहली बार स्पेशल लैंड ब्रेक कराया और 1 महीने में हो गया। 1 महीने में हो गया, मतलब 1 महीने में रुक गया था ये। कोई बात नहीं, आदमी मैंने कहा ना झोला चाप होते हैं।
कोई बात नहीं, ये इसको पता नहीं है, ये भी हमारा ही भाई है, सुनो। लेकिन ये बता रहे हैं कि जैसे इसने स्पेशल ले एंड प्रे कराया, एक महीने में इसको कंसीव हो गया, पहली बार ही आए थे महाराज से और आज बेटे के साथ आया। जोर से तारीफ करो ईश्वर के नाम में। मैं फिर कह रहा हूँ, 15 साल 8 साल 10 साल जिसके पास बच्चा नहीं है, स्पेशल ले एंड प्रे करा के देखना, गुड न्यूज मिलेगी ईश्वर के नाम में। हाँ हाँ बेटे, देखो देखो 13 साल है, यूपी बलिया से। हाँ बेटे, मेरा नाम इंद्रजीत है, मेरे को मैं आया था लास्ट दिसंबर, अपना संडे चर्च जब आया था तो पापा जी प्रोफेसी कर रहे थे कि जो शोभा यात्रा के लिए स्पेशल सीट बो के जा रहे हैं तो उनको ब्लेसिंग मिलने जा रही है, मतलब शोभा यात्रा पे सीट बो के जा रहे हैं तो हाँ। अगली आशीष 2023 उनकी होगी, तो मेरे को बेटी के साथ ब्लेस हुआ हूँ मैं, बेटी के साथ। मतलब 13 साल से कोई बच्चा नहीं था आपके पास, बेटी हुई है इसको। चलो खाता तो खुला, परमेश्वर का धन्यवाद करो, ताड़ी बजाओ जोर से। जब यहाँ पर आया क्रिसमस पर बीज बोया, 13 साल थोड़े नहीं होते हैं जिसके पास औलाद ना हो, बेटी हो चाहे बेटा हो, परमेश्वर आशीष देता है यीशु के नाम में। हालेलुया। मैं यूपी 5 साल से आपके पास बच्चा नहीं था, बेटा नहीं था जी। कैसे मिली आशीष? ऑयल वाटर लगाया, आज बेटे के साथ आई है, जोर से तारीफ करो, शाबाश। 2.5 साल से आपके पास बच्चा नहीं था, साल भर शादी का हो गया था, बच्चा नहीं हो रहा था, यहाँ से यूज किए तो यहाँ से क्या नून पानी लिया था? हाँ पानी लिए थे। ठीक है, जब बाबू आया तो इसके पापा को किडनी में पत्थर आ गया। हाँ, इनके किडनी में ये क्या लगते हैं आपके? मेरे पति हैं। आपके पति लगते हैं, मतलब बाबू को पत्थर आ गया? नहीं, इनको किडनी में पत्थर, जैसे बाबू हुआ ना उसके बाद, बाबू हुआ तो उसके बाद पत्थर आ गया इसको, ये बीमार हो गया मतलब। समझ गए। क्या रही बाबू, इनके हाथ रख दूं? सारे बोलो हालेलुया। जेठ के पैसे लगेंगे, सुनो, सारे बोलो हालेलुया। हाँ हाँ, ये देखो कि 1 साल से कंसीव नहीं कर पा रही थी, हाँ बताएंगे, शाबाश। जैमसी के पापा जी, जैमसी की सारी क्लीसिया को। मेरा कहाँ से आई है तू? और मैं जीरकपुर से हूँ। मैं 1 साल मेरी शादी को हो गया और 1 साल से मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी और मैं काफ़ी टेंशन में रहती थी क्योंकि रिलेटिव्स बोलते थे कि अभी तक हुआ नहीं, अभी तक हुआ नहीं है। तो मैं हस्बैंड से भी बोलती थी, हस्बैंड मेरे यहाँ पे काफ़ी टाइम से सेवकाई कर रहे हैं तो वो मुझे कह रहे थे कि मैं सेवकाई करता हूँ, कोई नहीं परमेश्वर दे दे। सेवकाई नहीं करता, मेरा ड्राइवर है तो परमेश्वर दे देगा हमें, तो टेंशन मत ले। मैंने कहा आपकी सेवकाई का प्रतिफल तो आपको मिलते रहेगा, लेकिन पहले अपनी जेब हल्की करो, ले हैंड प्रे करवाओ मेरी, तब परमेश्वर देगा हमें। मैं इसकी गवाही बताता हूँ, ये इसका इसका हस्बैंड मेरा दोस्त है और वो मेरे साथ मेरी गाड़ी चला कर जाता है, हस्बैंड ही बोलते हैं ना। हाँ जी ठीक है, सुनो। तो, हाँ, और वो हमेशा क्या करता था, फ्री ले एंड में खड़ा कर देता था अपनी जनानी को। मीटिंग में भी आई थी मैं। मैंने देखा, मैंने कहा जिनके पास बच्चे नहीं आ गया जो, मैंने कहा यार ये तो मेरे, मैंने कहा इसकी पत्नी है और ये, मैंने कहा मैं उसको हर बार बोलता था, मैंने कहा बेवकूफ से कंजूस कहीं के, मैंने कहा फ्री ले एंड में खड़ा कर देता है। एक दिन इसने बोला स्पेशल ले एंड प्रे करा हुआ, अपनी जेब ढीली करो। क्या बोल रही थी अभी? मैंने कहा कि अपनी थोड़ी जेब तो हल्की करो, आपकी सेवा का तो प्रतिफल मिलता रहेगा लेकिन जो जेब हल्की करोगे उसका तो हमें ज्यादा जल्दी मिलेगा। और इसने जिस दिन स्पेशल ले एंड प्रे कराई, मैंने 18 जून को ले एंड प्रे करवाई थी और आपने बोला था कि आपको 1 महीने के अंदर गुड न्यूज मिलने जा रही है, लेकिन 1 महीना भी नहीं पूरा हुआ, 12 दिन में ही मुझे गुड न्यूज, 12 दिन में गुड न्यूज मिल गई। करो। और नहीं तो 5 महीने से रोज प्रेयर करा रहा था ये, 5 महीने लगातार होए भाई साहब अपनी जाने को आके भेज देता जा। और स्पेशल लैंड कराते ही, इसका मतलब परमेश्वर मनों को जांचता है। जिनकी जेब में पैसे भी हैं दान देने में कंजूस हैं, मैं कह रहा हूँ पैसा है या नहीं है चाहे, लेकिन परमेश्वर सुनता है, चाहे आप बाहर प्रेयर कराएं चाहे अंदर कराएं, आपको गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। yes. अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। प्रेग्नेंट है ये बहन 5 महीने से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, गवाही। हालेलुया। प्रॉफिट जी भाई बता रहे कि 5 साल से पाइल था जैसे एनोइंटिंग ऑयल वाटर को यूज किया, आज बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। हालेलुया। 5 साल से पाइल था, देखो किसी के पास कार की आशीष नहीं थी, इनको कार मिली, इसने स्पेशल ले एंड प्रे कराया, इसको जॉब एक अच्छी जगह जॉब मिली है। पहले स्पेशल लेहल करवाई थी और लास्ट संडे प्रोफेसी को रिसीव भी किया था तो मेरे को जॉब की आशीष मिली। थैंक यू सो मच प्रॉफिट जी, मैं आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ आपकी वजह से हूँ, यीशु की वजह से। तारीफ करो जो यीशु के नाम में। हाँ हाँ, ये देखो आपके सामने इनको भविष्यवाणी किया था, ये मोबाइल लेकर आया है वहाँ तो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा हो रहा है,
रहा कि आप देखेगा, कह रहा तीन महीने के बाद कह रहा तू छलांग मार कर आएगा, एक नई गाड़ी के साथ आएगा। देखो इस बंदे को स्टेज पर बुलाकर भविष्यवाणी किया था कि तू एक नई गाड़ी के साथ आएगा और नई कार के साथ आया। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ जोर से, तारीफ करो। शाबाश, इसको डेंगू हो गया था और हॉस्पिटल में एडमिट था, देखो आपके सामने, और जैसे ही प्रार्थना कराया इसने और आज बिल्कुल आजाद हो गया, आपके सामने खड़ा। नशे करते थे 20 साल से, स्पेशल ले एंड प्रे कराया। कहाँ से आए आप? मुंबई से, और परमेश्वर ने आजाद कर दिया। जोर से तारीफ करो। जो लोग नशे छोड़ रहे हैं उनके लिए ताड़ी बजाओ। शाबाश, ये बहुत नशा करता 35 साल 10 साल और करे किसी को गिल्टियां रसोलियां, कोई फ्रॉड केस चल रहा था, जीत गए, स्पेशल एंड प्रे कराया था। हाँ बताऊं सर, जय मसीह दी, प्रोफेट जी जय मसीह दी। कितों है तुसी? सर लुधियाने तो जी। मैं जानता थानू पर पूछ रहे हैं जी। थैंक यू प्रोफेट जी। मेरा ब्रदर का लड़का सीगा कोर्ट फ्रॉड केस के फस गया सी, तुहाडे तो स्पैशल ले हैंड प्रार्थना कराई। 30 जुलाई नो प्रार्थना कराई सी ते 5 अगस्त नो डिस्चार्ज कर दिता जी। देखो स्पैशल ले हैंड प्रे कराया और आजाद हो गया जो केस चल रहा था। तारीफ करो यीशु के नाम में। प्रोफेसी को रिसीव किया है, ये देखो लड़का बेस्ट प्राइज लेकर आया, बेस्ट बॉय है। ये कौन सा बेस्ट बॉय? एथलीट। अच्छा, दौड़ में नंबर 1 आया। जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में। जी जी। सारे बोले हालेलुया। आज जितने ऑनलाइन देख रहे हैं उनके बच्चे फर्स्ट आएंगे यीशु के नाम में। आमीन। क्या विश्वास करते हैं इस बात पर? जिसका बच्चा नलायक होगा, पुणे भी साफ ना करने आते हो, वो नंबर 1 आएगा यीशु के नाम में। सुनो, बिजनेस खुल गया, नशे से आजाद हो गए, गिल्टियां रसोलियां चलेगी, आवाज गूंगी होगी थी, स्पेशल एंड पर डैमेज। मेरा पति बहुत बीमार, अभी वो आजाद हो रहा है। हाँ, और एग्जाम में पास होगी, गुड न्यूज मिला, चिकन पॉक्स हो गया था, आजाद हो गया। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय इन गवाहियों के साथ पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग गवाहियों को सुन रहे हैं आजाद हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। जो लोग चाहते हैं बेस्ट बीज बोना, अपने हाथ में बीज पकड़ो, कोई जबरदस्ती नहीं है किसी के साथ, लेकिन आपको सुनना है कि मैं शुक्रवार भी प्रार्थना करता हूँ आपके लिए। यहाँ पर लंगर चलता है शुक्रवार, शनिवार, इतवार, जो लोग रुकते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। संडे को भी बिजली का खर्चा आता है, लाइट का खर्चा आता है, जनरेटर 1 लाख रुपया खा जाता है रात रात में। हालेलुया, आपको सुनना है। कह रहा है LCD का किराया आता है, मैं हर चीज़ यहाँ पर किराए पर है, तो लेकिन हम सरकारी नौकरी नहीं करते, लेकिन जो लोग बीज बो रहे हैं परमेश्वर उन्हें 100 गुना प्रतिफल दे यीशु के नाम में। क्योंकि जब आप बीज बोते हैं हमारी टेंशन दूर होती है और हमें घुटने टेक कर आपके लिए प्रार्थना करने का टाइम निकलता है। मेरी ये सेवा है कि मैं आपके लिए दुआ करूं। यिर्मयाह बोलता है कि मैं, मेरे लिए पाप है ये, चाहे आप दें चाहे ना दें तो भी मैं आपके लिए दुआ करूंगा, अगर मैं दुआ ना करूं तो मेरे लिए पाप है ये। आप समझते हैं? तो आप किस तरीके का पाप करते हैं नहीं करते मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर आपसे प्यार करता है। जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो बीज बो रहे हैं, उनकी जिंदगियों में आशीष आए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी आज से इनके बच्चों का फ्यूचर खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। जो आज इस मिनिस्ट्री में QR कोड में मिनिस्ट्री में बो रहे हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, बॉम्बे से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, मलेशिया, पाकिस्तान से, क्या पवित्र आत्मा इंडिया के हर कोने से, दिल्ली से, फरीदाबाद से, पंजाब से, मैं इन सबको इनके फाइनेंस को आज ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम में। आज से जुड़ने लगे इनके, मिराकल मनी होने लगे, इनके घर में बरकत आने लगे, और नुकसान कराने वाली आत्मा इनके घर से, बैंक से बाहर जाए, बाहर जाए। बीमारियों में जाने वाला पैसा स्टॉप करता हूँ यीशु के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा आज से इनके कामों में सफलता है यीशु मसीह के नाम में। जिन्होंने बीज बोया है परमेश्वर इसी हफ्ते में फल देने यीशु के नाम में। आमीन। बोलो आमीन। बीज बोने वालों को आशीष मिले आज। आमीन। कैसे बोते हैं बीज? अपने हाथ में बीज पकड़ने के बाद, प्रार्थना करने के बाद, अपने पड़ोसी को भी बोला करो परमेश्वर मेरे पड़ोस में बैठे को भी आशीष दे, क्योंकि ये लोग आपको स्वर्ग में मिलेंगे, दूसरा नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं बात? आपके ज़्यादा भाई बहन, ज़्यादा प्यार करने वालों में से ये लोग हैं, ये लोग आपको मिलेंगे, ये आपके असली असली कज़न, असली भाई बहन हैं। यीशु मसीह बोलता है, कह रहा मेरे भाई बहन तो वो हैं जो मेरे वचन को सुनते हैं और मानते हैं। हालेलुया। आप सब लोगों को परमेश्वर एक साथ जोड़ के रखना चाहता है, आशीष देना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर से आशीष लेने के लिए? बोलो
कभी आया करो कभी जाया करो कभी आया करो कभी जाया करो यीशु नाम विच पंगड़े भी पाया करो यीशु नाम विच पंगड़े भी पाया करो यीशु नाम विच पंगड़े भी पाया करो यीशु नाम विच एक समस्या और आपकी दूर हो रही है, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसको जब आप स्कैन करेंगे तो आपको ये कैसे करते हैं मुझे पता नहीं ज़्यादा, बाकी ये व्हाट्सएप नंबर पर आप इसको ऐड कर लो, इस नंबर को जो भी कोई आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आपकी कोई मेरे से बात करना चाहता है, वो सीधा इस नंबर पर आप मैसेज भेज सकते हैं यीशु के नाम में। बोलो हालेलुया। मतलब आपके साथ कोई आपको झगड़ा कर रहा है, कंप्लेंट है, कुछ भी है, आप इस पर डाल सकते हैं, नंबर नोट कर लो, नंबर नहीं है, आप स्कैन करेंगे इस पर, इसको दिखा फुल स्क्रीन करके। यू कैन विजिट आवर ऑफिशियल चैनल बाय, आगे दिख नहीं रहा है, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करें यीशु के नाम में। जिसको नहीं आता वॉलंटियर गेट पर खड़े होकर इनको सिखाएं करना, बोलो हालेलुया। फिर कह रहा हूँ आप स्क्रीन पर, वहाँ पर बार बैनर लगा और वहाँ पर इनको स्कैन करना सिखाऊँ, बोलो हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं परमेश्वर की प्रेजेंस है यहाँ पर? Yes. आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। Yes. आप कहीं से भी आए हैं आशीष मिलेगी, ठीक है? सुनो, आपके लिए बोल रहा हूँ, स्टैंड अप। कितने लोग मेरे से हाथ मिलाना चाहते हैं? जो मेरे से हाथ मिलाएगा आज करोड़पति हो जाएगा। Yes. बाकी नीचे बैठ, नहीं नहीं बुलाया नहीं है, मैं अपनी मर्जी से मिलाऊंगा। सारे बोल हालेलुया। एक से मिलाऊंगा, बाकी आप समझदार हैं। हालेलुया। Yes. विश्वास करना है, हालेलुया। हाँ, कहाँ से आए आप? दिल्ली से। दिल्ली से आए हो? सोनू जी मेरा नाम है। एक तरीबाचा बंद हो गया, तू चखल जाएगा। सोनू 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 रानी सोनू 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 हालेलुया। हाँ सुनो, आपसे बात कर रहा है परमेश्वर, आपको करे हाथों पैरों में जॉइंटों में बहुत तकलीफ हो रहा है। हाँ जी। आज के बाद आप आजाद हो रहे हो। आमीन। बहुत सारा पैसा किसी ने खा लिया है, बाहर आ रहा है। मैरिज का ब्लेसिंग नहीं खुल रहा है। किसका है वो? किसके लिए? हैं? मेरी मैरिज। आपकी मैरिज? देखो कितना उम्र हो गया है लेकिन नहीं खुल रहा। नहीं, आपकी शक्ल देखकर प्रोफेसी नहीं कर रहा हूं मैं, नहीं तो कोई फेस देखकर कहेगा कि नहीं मैरिज हो गया होगा, देख रहे हैं आप? लेकिन नहीं, लेकिन परमेश्वर आपके लिए बंद पड़े दर डोर खोल रहा है आज से यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं। मैं हाथ मिलाऊंगा आपसे और आप करोड़पति हो जाएंगे। क्या मैं मिला सकता हूँ आपसे आज? लेकिन मैं, मेरे को कोई देख रहा है। सारे बोले हालेलुया। मिला लूं? Yes. आप शादीशुदा होती तो फिर तो मिला लेता, पर चल तू मेरी बेटी है, मैं मिला लेता हूँ। हाथ करो। मेरे यीशु का मसा मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा मसा यीशु, सो मसा सो मसा सो मसा सो मसा सो मसा शबला बा राचा रबा सनायो वरे दे दे, वो करंट इसको छुए। उधर चला गया। इसी समय परमेश्वर इसको आशीष दे, इसको ब्लेसिंग दे। आपके साथ और कौन आया? हाँ स्टैंड अप। हाथ नहीं छोड़ना, हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा मैंने आपका। इसी समय अबलबा शबलबा वो करोड़ों रुपए की आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर वो प्रोजेक्ट, वो घर, वो प्रॉपर्टी ब्लेसिंग में बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाथ करो इधर, और इसी समय यीशु के नाम में गुड न्यूज आने पाए यीशु मसीह के नाम में। वो शराब टूट जाए आपके ऊपर से, वो बंधन टूट जाए, और इसी समय वो सारे बंधन टूट जाए, आज से आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जो मैरिज नहीं होने दे रही, इसी समय मैरिज होने पाए और एक करोड़पति घर में जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। ब्लेसिंग को खोल देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। फ्री करता हूँ यीशु मसीह के नाम। आमीन। गुड न्यूज मिलेगा आपको। सारे बोले हालेलुया। और किसे हाथ मिलाऊं?
वो कह रही मेरे से मिला, बैठो बैठो बैठो, कहाँ से आप, स्टैंड अप, आपसे हाथ मिला रहा हूँ, शादी हो गया आपका है, ठीक है, लो हाथ मिलाओ, शाबाश। आप विश्वास नहीं करोगे, आप करोड़पति नहीं हो अभी, अब होने वाले हो। यीशु का मसा, सुनो 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 सुनो, हाँ सुनो, अभी इसी समय ऐसे ऐसे पीछे से नेपाल से, नेपाल से कौन है, आप हैं, आप हैं सर्जन, सर्जन सर्जन सर्जन, सुनो ऐसे मैं देख रहा हूँ कोई सर्जन, सर्जन सिर्जन, हाँ कौन कौन है, कौन है, हाँ हाँ मेरा वाइफ है, आपका वाइफ है सर्जन, क्या नाम है, सिर्जन, सिर्जन, हाथ मिलाओ, बच्चा नहीं है आपके पास, बेटा नहीं है, कहाँ पर है वाइफ आपकी, सुनो 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 सुनो, अपने हाथों को उठाऊं, जहां पर भी है उसको गुड न्यूज देना, हाथ मिला लेना उसके साथ, उसको बेटा होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, हाँ माया को ने माया, क्या नाम है, तारीफ करेंगे, माया आज से पलट रही है तेरी काया, ले पलट जाए काया, आउट, निकलना बाहर, इसके पास ही बेटा नहीं है, हाँ अपने हाथों को उठाऊं और उसी समय वो निकल जाए वो गंदी स्पिरिट, चलो उसी समय निकल जाओ, जिसके मकान को पकड़े हुए, जिसको रोके हुए, इसी समय निकल जाओ बाहर, शराब को तोड़ देता है, निकलो फायर, आउट आउट, फ्री के नाम में, वो मसाला यीशु का मुझको भेजो गया, वो मसाला यीशु का मुझको भेजो गया, बंधनों को तोड़े यीशु का मसा, बंधनों को तोड़े यीशु का मसा, बंधनों को तोड़े यीशु का मसा, आइए सब जल्दी से अपने सिर पे हाथ रखे, वचन में जाएंगे जल्दी से, परमेश्वर आपको आशीष दे, जो लोग बाइबल ले लेकर आए अपने ऊपर उठाओ अपनी बाइबल को, शाबाश, जल्दी उठाओ अपनी बाइबल को, क्या आप उठा सकते हैं अपनी बाइबल को, शाबाश उठाओ, पवित्र आत्मा आप सबको आशीष दे, आदि यीशु मसीह के नाम में, आपके बाइबल पढ़े जाने पर आशीष आए, पवित्र आत्मा जी मैं आज के कलाम को इस समय पवित्र आत्मा के बीच में बांटता हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आज से तेरे लोग बुद्धिमान हो जाएं यीशु मसीह के नाम में, आशीषें डबल हो कराएं यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन, आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की प्रेजेंस यहाँ पर है, आपको सुनना है, आज जितने लोग यहाँ पर आए हैं उनके लिए खुशखबरी है, क्या खुशखबरी है कि मुझे सुबह 4 बजे पवित्र आत्मा ने कहा कि जो लोग, हाँ हाँ लाली अपना दिमाग ठीक कर, जो लोग यहाँ पर बैठे हैं जिनके काम ठप पड़े हैं, ठप समझते ठप, बंद पड़े हैं, ठप पड़े हैं जिनके काम, उनके लिए गुड न्यूज है आज रात यीशु मसीह के नाम में, काम आज रात आपके चलने वाले हैं, चर्च आमीन बोलकर, हालेलुया बोलकर आज स्टार्ट कर लो अपना इंजन, आवाज खोलो इसकी माइक की, थोड़ा जोर ना लगाना पड़े, हाँ आज का हमारा टॉपिक है, हम स्क्रीन पर देखेंगे परमेश्वर आज किसके साथ चलेगा, हालेलुया, बहुत सारे लोगों के बिजनेस ठप पड़े हैं, क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सेवकाई तो स्टार्ट कर ली है, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री स्टार्ट कर ली है, बड़े बड़े काम स्टार्ट कर लिए हैं, लेकिन उनके काम आज भी ठप पड़े हैं, बिल्डिंग बना ली है, शॉप बना ली है, लेकिन उनको ये नहीं पता उनके साथ परमेश्वर नहीं चल रहा है, हालेलुया, परमेश्वर जिसके साथ चलता है उसका काम ठप नहीं होता, उसके काम बनते हैं, आशीर्वाद आते हैं यीशु के नाम में, हम स्क्रीन पर देखेंगे किसके काम ठप पड़े हैं और किसके कैसे परमेश्वर आज किसके साथ चलेगा, किन लोगों के साथ चलेगा परमेश्वर, स्क्रीन पर देखेंगे, पढ़ो देखो क्या लिखा, जो विश्वास से चलेगा, जो विश्वास से चलेगा, जो उसकी अगुवाई में चलेगा, जो उसकी आज्ञा में, जो उसकी अगुवाई में चलेगा, और तीसरा करें जो अपनी चाल चलन पर सोचेगा, हालेलुया, अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि अपनी चाल चलन पर सोच थोड़ा, बोलो हालेलुया, करें कि बहुत सारे लोग अपनी चाल चलन पर सोचते नहीं है कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या कमाया है, क्या किया है, मैंने अपनी लाइफ में क्या किया है,
बहुत सारे लोग बस प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना पर प्रार्थना, प्रार्थना पर प्रार्थना। लेकिन प्रार्थना करना अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग अपने चरित्र पर ध्यान नहीं देते, अपने करैक्टर पर ध्यान नहीं देते। जो लोग अपने करैक्टर पर ध्यान नहीं देते, इसलिए उनके कामों में परमेश्वर साथ नहीं चलता। हो सकता है आपने बड़ी बिल्डिंग, बड़े मकान बना लियो, लेकिन परमेश्वर आपके साथ नहीं है। कई बार हनोक, हम पढ़ते हैं बाइबल के अंदर उत्पत्ति की किताब, उसका पांचवा अध्याय हम देखें स्क्रीन पर, 23 और 24 क्या लिखा। हाँ हाँ, इस प्रकार हनोक की कुल आयु 335 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। लिखा करें कि हनोक परमेश्वर का एक दास था और वो परमेश्वर के साथ चलता था, करे कि उसकी बात मानता था। कितने कब तक वो चला परमेश्वर बोलता है, करें इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 साल थी। हालेलुया, कितने साल तक चला, करे 365 साल तक हनोक परमेश्वर के साथ चला। आज का इंसान जो है, आज का विश्वासी जो है, वो बोलता है पास्टर करा मैं सुबह प्रार्थना करता हूं, लेकिन शाम तक करा मैं परमेश्वर के साथ चल नहीं पाता, मैं पाप में गिर जाता हूं। बहुत सारे लोग यहां पर ऐसे बैठे हैं कि वो वादा तो करते हैं परमेश्वर से, जब हमने फेरे लिए थे पत्नी के साथ तो बोला था हम तुझे जो कभी तुझे मारेंगे नहीं, कभी तेरे साथ ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। कितने दिन चले हो आप पत्नी के साथ, आपको पता है। हालेलुया, करें कि आज इसका मतलब करें एक मनुष्य परमेश्वर के साथ करें जब तक करें अपने चाल चलन में सही नहीं चलता, तब तक परमेश्वर उसकी जिंदगी में उसके साथ नहीं चलता। आज करें कि जिसने चाल चलन में अपने चाल चलन में सुधार कर लिया है, हनोक ने अपनी लाइफ के अंदर करें कि 365 करें कि दिन करें दिन नहीं साल 365 साल हनोक परमेश्वर की अगुवाई में चलता रहा, जैसा परमेश्वर कहता था वैसा करता रहा। और पवित्र आत्मा ने उसके साथ क्या किया, क्या बेनिफिट दिया उसको, उसकी लंबी उम्र को किया, और करें कि उसको मरने नहीं दिया, उसके ऊपर बुढ़ापा आने नहीं दिया, करें कि उसके दुख तकलीफ आने से पहले परमेश्वर ने उसको करें कि बादलों में जिंदा जी उठा लिया। हालेलुया, हालेलुया। करें आज रात जिसको विश्वास नहीं है, करें कि उसका मुझे नहीं पता, लेकिन जिसको विश्वास है, बाइबल बोलती है हनोक परमेश्वर के साथ चलता था और क्योंकि परमेश्वर ने कहा और उसको उठा लिया। हालेलुया, जो लोग विश्वास करके यहां पर बैठे हैं, अगर आज दुख आए, बीमारी आए, समस्या आए, कर्ज आए, आप फिर भी परमेश्वर के साथ चलते रहे। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज यीशु मसीह के आने पर बादलों पर उठा लिए जाएंगे, मरने नहीं देगा, याद रखना। कौन कहता है, कह रहा है, बहुत सारे लोगों को मौत से डर लगता है। कोई यहां पर बैठा ऐसा कोई कह सकता है कि पास्टर मेरे लिए प्रार्थना कर दो मुझे बुखार हो जाए। कोई चाहता है, किसी को पता है बुखार की फीलिंग क्या होती है, जब बुखार चला जाता है उसके बाद वो दर्द भी चला जाता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ नहीं चलते तब हमारे कामों में अड़चन आती है। परमेश्वर उन लोगों के साथ कभी नहीं चलता जिनके अंदर विश्वास नहीं है। हनोक को विश्वास था और वो परमेश्वर के साथ 365 साल चलता रहा। यहाँ पर आज का विश्वासी एक दिन भी बड़ी मुश्किल से निकालता है, करें एक बार प्रार्थना करता है, एक बार बाइबल पढ़ता है, लेकिन उसके बाद उसके काम ठप हो जाते हैं, उसके बाद वो परमेश्वर के साथ चलना बंद कर देता है। लेकिन पवित्र आत्मा ऐसा नहीं है, परमेश्वर आपके साथ करें एक दिन के लिए नहीं, पूरी जिंदगी के लिए चलने के लिए तैयार है। आज हर एक जन करा आज परमेश्वर को अपने घर में लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज मैं कह रहा हूं ये भविष्यवाणी है आपके लिए, आज परमेश्वर आपके बिजनेस में चलेगा, चर्च आपके घर में चलेगा। आदम और हव्वा जब जंगल में थे तो उस समय वो सुबह उठे तो उसकी पत्नी कह रही थी मुझे कृषि की आवाज सुनाई देती है, शायद हमारे घर में कोई चोर आ गया। उसने कहा ठंडे समय में चोर नहीं, ठंडे समय में परमेश्वर की कानों की, परमेश्वर के पैरों की आवाज उसे सुनाई पड़ती है, परमेश्वर उनके बीच में चल रहा था। हालेलुया, आज रात से मैं कह रहा हूं जितने सुबह उठने के लिए तैयार हैं, प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं, जैसा परमेश्वर कहता है वैसे करने के लिए तैयार हैं, अगर आप उसकी अगुवाई में चलें, आज सुबह मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके बीच में चलेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं कि चलना, कह रहे हैं जब परमेश्वर चलता है तो कह रहे हैं कि उस समय कह रहे बीमारियां खत्म होती हैं, जो लोग बर्बाद हैं वो फिर से आबाद होना स्टार्ट होते हैं। आमीन। अपने हाथों को उठाकर कहूं कि परमेश्वर मैं तेरी अगुवाई में चलना चाहता हूं। पड़ोसी को पूछो हाथ मिलाकर तू कितने दिन चलेगा। किसी को नहीं मालूम हम कितने दिन चलेंगे। आपकी मोटरसाइकिल की बैटरी को पता है, आपको मोबाइल की बैटरी का पता है आपको कितने दिन चलेगी। एप्पल की फोन एक दिन में चलता है बस, सैमसंग का दो दिन चलता होगा, बाकी ओप्पो का था मुझे नहीं पता उसका पोप्पो क्या बनता है। कितने दिन चलता है बैटरी का पता है आपको।
अपनी मोटरसाइकिल का पता है आपको, अपनी कार का इशारा देखकर आप चलते हैं, भैया इतनी किलोमीटर चलने वाली है, हालेलुया। लेकिन अपने अंदर झांकना है आज आप कितने दिन चलेंगे परमेश्वर के साथ। कह रहे अगर आज आप वादा कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं जैसे मैंने सूरत का हाथ पकड़ा, यीशु आज रात आपका हाथ पकड़ने वाला यीशु के नाम में, आमीन। आज रात ऐसे लोगों के घर जाना पसंद करता है मेरा परमेश्वर, लेकिन विश्वास करना है, लेकिन विश्वास होता नहीं है, करना पड़ता है। विश्वास माँ के पेट से नहीं लेकर आता, विश्वास को बनाना पड़ता है, बोलकर बनाना पड़ता है, जेब में नहीं है विश्वास, विश्वास को बोलना पड़ेगा। छोटा बच्चा जब उछालते हैं, देखा आपने कभी छोटा बच्चा उसको उछालते हैं कई बार, कैसे करता है जब बच्चे को उछालते हैं कैसे करता है, हंसता रहता है छोटा बच्चा जितनी मर्जी बार। अगर किसी को शक है अपना बच्चा उछाल कर देखो, कितनी बार उछालो उसको, वो हंसता ही रहेगा, हंसता ही रहेगा बच्चा। और बड़े बच्चे को उछाल के देखो, मारेगा क्या, अबे मारेगा क्या, सीधा ये निकलेगा मुंह से, निकलेगा क्या नहीं। कह रहा इसका मतलब क्या है, कह रहा बच्चे को विश्वास है, कह रहा जो भी मुझे उछाल रहा है ये मेरे माँ बाप है, मैं सुरक्षित हाथों में पहुंचाया गया हूँ, बच्चे को विश्वास है, हालेलुया। याद रखना बड़ों को विश्वास नहीं है, इसलिए यीशु मसीह बोलता है, कह रहा कि मेरे पास बालक के समान बनकर आना, बड़ा बच्चा नहीं चाहिए मुझे, अपने आप को घमंड के साथ मत आना, बड़ा बनकर मत आना, बड़ा नाम है, बड़ा पैसा है, बड़ी शोहरत है, धरी रह जाएगी तेरी बड़ी शोहरत, बड़ा पैसा, बड़ा नाम। याईर था, एक ही लड़की थी उसकी, लेकिन मर गई। बड़ा नाम था, बड़ा पैसा था, बड़ी शोहरत थी उसकी, लेकिन एक ही लड़की थी। चला आया यीशु के चरणों में और कहने लगा, भूल गया हूं आज अपने बड़े पद को, बड़े पैसे, बड़े शोहरत को, बड़े नाम को, कि मेरी एक ही बेटी थी मर गई है, लेकिन आज मुझे विश्वास हो गया है कि वो तेरे हाथों में सुरक्षित हो सकती है। हालेलुया, हालेलुया। आज विश्वास है आपको, तो आप करा विश्वास के साथ यहाँ पर आना है, करा विश्वास करते हैं, मैं कह रहा हूं जितने यहाँ पर बैठे हैं आज परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है आप, यीशु के नाम में। आपका बिजनेस सुरक्षित है, आपका कराना सुरक्षित है, आपकी हड्डियां, आपके मांसपेशियां, किडनियां, लीवर, हार्ट, सबके सब सुरक्षित हाथों में है, आमीन। यीशु के हाथ में आप, याद रखना सुरक्षित हाथों में आप, विश्वास करना। याईर को विश्वास हो गया उस रात, जिस रात यीशु मसीह उसके साथ चला, उसने कहा याईर ने, क्या तू मेरे साथ चलेगा, अरे अपने नहीं चलते, जब बीमार पड़ जाते हैं लोग, जब मुसीबत में फंस जाते हैं, कोई थाने में मदद करने नहीं जाता, कोर्ट कचहरी में कोई नहीं चलता, लोग बोलते हैं ये धर्म बदलता है, ये दूसरे देश का भगवान है। मेरी माँ जब बीमार पड़ी, मैंने कहा कौन चलेगा मेरे साथ, यीशु मेरे ड्रीम में आया, उसने कहा मैं चलूंगा तेरे साथ तेरी माँ को चंगा करने के लिए। मैं गया हॉस्पिटल और मेरी माँ चंगी हो गई, हालेलुया। मैं कह रहा हूँ अगर आज आपके साथ कोई चले ना चले, मेरा परमेश्वर आज रात आपके साथ चलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। क्या आपको विश्वास है कि नहीं, कह रहा विश्वास के साथ चलना पड़ता है। यीशु मसीह दिखाई नहीं देता, विश्वास के साथ चलना पड़ता है। मुसीबतें दिखाई नहीं देती, लेकिन भागते हुए दिखाई देंगी आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास से चलना है, आपकी बीमारी जाएगी आज, कर्जा जाएगा, डिप्रेशन जाएगा आज, सिर का बोझ जाएगा आज, आप हल्के होकर जाएंगे यहाँ से, क्योंकि यहोवा आपके साथ चल रहा है, आमीन। आपकी मुसीबतों में है वो, लेकिन बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते। यीशु मसीह किसके साथ चलता है, हालेलुया। कह रहा जो वाह वाह करता है, किसके साथ चलता है यीशु मसीह। एक बार ऐसे ही सही बता रहा हूं, छोटा बच्चा, एक बार मैं भविष्यवाणी करने के लिए मुझे हरियाणा में बुलाया एक चर्च के अंदर। पहली बार मैं भविष्यवाणी करने के लिए गया किसी के चर्च में, अपने चर्च में तो रोज ही करता था, किसी के चर्च में गया तो वहां पर 100 लोग थे, और मैंने परमेश्वर को पूछा, मैंने कहा परमेश्वर आप मुझे बताएंगे किसके लिए भविष्यवाणी करूं। परमेश्वर ने कहा इस चर्च में जो वाह वाह कर रहा होगा, मैंने सोचा शायद उसकी गोद में बच्चा होगा, उसके लिए भविष्यवाणी करनी होगी। मैंने 100 लोगों को देखा, मैंने कहा पहले एक को देखा नजर नहीं आया, मैंने गीत गाते रहो देखते रहा, मैं कहा दूसरा गीत भी गाओ, पास से कर टाइम निकलता जा रहा है, मैंने कहा 4 गीत गाओ मजा नहीं आया, 5वां गाओ, मैंने कहा दिखी नहीं रहा कोई बच्चा नहीं। फिर प्रभु से आवाज आई, प्रभु ने मुझे कहा, कह रहा जो कह रहा प्रार्थना में रो रहा होगा वाह वाह कर रहा होगा, इसका मतलब क्या था। वहां पर लोग बैठे थे, एक बैठा था कहता मेरे लिए भविष्यवाणी होगी, हा 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 हंस रहा था, एक मेरी तरफ देख रहा था, तीसरा देख रहा था, लेकिन एक आदमी आंसू बहा रहा था, टपर टपर कर रहा था, वह वह कर, मैंने कहा यही है इसका मतलब, वह 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 वाला। और चीज में मैंने उसको खड़ा किया, मैंने कहा जा आज के बाद, कह रहा तू तेरे घराने में 2-2 फैक्ट्रियां होंगी यीशु मसीह के नाम में। मैंने उसको खड़ा किया, मैं कह रहा क्यों, मैंने कहा मैं रोता जा रहा था, वो प्रार्थना कर रहा था, मैंने कहा आज के बाद कह रहा तेरी जेब में परमेश्वर डॉलर दिया करेगा,
तेरा घराना आशीषित होगा, तेरे बच्चे आशीषित होंगे। देख तेरा बच्चा बाहर के देश जाएगा। और उसके बाद थोड़े दिन के बाद वो मेरे को मिला, उसने बताया करा उसके दोनों बच्चों, उसके एक बच्चा न्यूजीलैंड चला गया, दो फैक्ट्रियां उसके पास, दो मकान उसके पास, दो कार उसके पास, दो ट्रैक्टर ट्राली उसके पास, दो ट्रक उसके पास, और अब उसके पास क्या। मैंने कहा तेरे जेब में 2000 का नोट होगा, 2000 से कम नहीं डालेगा। आज तेरी जेब में पैसे नहीं है दान डालने के लिए, लेकिन परमेश्वर तेरे साथ चलेगा। आज से 2000 से कम नहीं डालेगा। और एक दिन आएगा 2000 का नोट बंद हो जाएगा तेरी जेब में। आज से 7 साल पहले मैंने उस बंदे के लिए भविष्यवाणी किया था कि 2000 का नोट बंद हो जाएगा, लेकिन करा तेरी जेब में परमेश्वर डॉलर डाला करेगा। हालेलुया। आज उसका बच्चा न्यूजीलैंड से डॉलर डालता है उसकी जेब के अंदर, यीशु के नाम में। हालेलुया। बोलो हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूँ, कह रहा है कि किन के साथ चलता है परमेश्वर, कह रहा है जो कह रहा विश्वास करते हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना चाहते हैं। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर मैं तेरी अगुवाई में चलूंगा, मैं आज से विश्वास करूंगा। मूसा की डिजायर थी, वो चाहता था कि परमेश्वर को देखना चाहता था। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर को देखना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की डिजायर पूरी नहीं होती। बहुत सारे लोग भविष्यवाणी करना चाहते हैं, उनकी डिजायर पूरी नहीं होती। बहुत सारे लोग जॉब चाहते हैं, घर चाहते हैं, मकान चाहते हैं, उनकी डिजायर पूरी नहीं होती। लेकिन परमेश्वर ने मूसा को बुलाकर कहा, कह रहा कि मैं तेरी डिजायर को पूरा करूंगा, लेकिन तू मेरी अगुवाई में चलेगा। बोलता क्या, कह रहा कि तू इसराइलियों को लेकर चलेगा और कह रहा कि जब तक कनान देश ना पहुंच जाए। और उसी समय उसने कहा मैं चलूंगा परमेश्वर, और उसी समय दुख आए, प्रॉब्लम आई, समस्या आई, लेकिन उसने कभी भी उफ तक ना किया, लेकिन वो परमेश्वर की अगुवाई में चलता रहा, उन लोगों को लेकर चलता रहा। उसने पत्थर उठा लिए लोगों ने, जब उसको खाने पीने को नहीं मिला तो वो उसके खिलाफ कड़कड़ाने लगे, लेकिन उसने कभी भी अपने मुंह को नहीं खोला, बुराई नहीं किया। आज विश्वासियों को जब कुछ नहीं मिलता तो लोग बुराई करने लगते हैं एक दूसरे की, लेकिन उसने अपना मुंह कभी नहीं खोला, वो चलता रहा। 3 दिन उसकी पब्लिक को, उसके लोगों को खाना नहीं मिला, पानी पीने को नहीं मिला, लेकिन फिर भी मूसा अगुवाई में चलता रहा। आज हो सकता है किसी को चंगाई ना मिली हो, किसी को घर ना मिला, जो आप सोच कराए थे वो ना मिलाओ, लेकिन आज हो सकता है कह रहा कि आप भी मूसा की तरह डिजायर हो आपकी कि परमेश्वर को पाना चाहते हैं। तो पवित्र आत्मा की बात को विश्वास करता था कि एक दिन परमेश्वर मेरी अगुवाई करेगा, क्योंकि मैं उसकी अगुवाई में चलता रहूंगा और मेरी डिजायर पूरी होगी। और प्रभु यीशु मसीह ने, मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर ने उसकी डिजायर को पूरा किया मूसा की। पवित्र आत्मा उन लोगों के साथ है, जब वो हाथ उठाता था सबसे बेस्ट प्रॉफिट माना गया, उसको वो भविष्यवाणी दिया, उसने कहा परमेश्वर अगर तू मेरे साथ चलेगा मैं तेरे साथ चलूंगा। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे साथ जब चलूंगा, जब तू मेरी अगुवाई में चलेगा, जैसा मैं कहूंगा वैसा करेगा। बोलता ठीक है। वो एक राजा के घर में पैदा हुआ था, उसने राजपाट को छोड़ा और परमेश्वर की भक्ति करने लगा। मैं कह रहा हूं कि आज हाथ उठाकर कहूं प्रभु मैं तेरी अगुवाई में चलूंगा। मैं कह रहा हूं जो आप सोच रहे हैं, जो आपकी डिजायर है, जो आपकी इच्छा है, आज रात पूरी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलकर पूरी कर लो आज। आमीन। हालेलुया बोलकर ले लो आज अपनी डिजायर। हालेलुया। मैं देख रहा हूं युवा किन लोगों के साथ नहीं चलता, ये भी लिख लो। मैंने क्या बताया अभी, युवा किन के साथ चलता है, जो विश्वास करते हैं, जो अपने चाल चलन पर सुधार करते हैं, जो उसकी अगुवाई में चलते हैं, कहना मानते हैं। लेकिन किन लोगों के साथ नहीं चलता उसका भी लिख लो आप। नंबर एक लिखो, जो भोले हैं। सारे बोलो हालेलुया। कह रहा जो भोले हैं, भोले लोग जो अधिक से ज्यादा गुस्सा करते हैं, ज्यादा गुस्सा करते हैं, उनके साथ नहीं चलता परमेश्वर। हालेलुया। अपने पड़ोसी को पूछो ज्यादा गुस्से वाला कौन कौन है। कह रहा ज्यादा गुस्सा करते हैं, जो खुदा की अगुवाई में नहीं चलते, उसके कहने में नहीं चलते, परमेश्वर उनके साथ नहीं चलता। भूल है आपकी कि परमेश्वर मेरे साथ है। पवित्र आत्मा कहता है मैं तेरे साथ नहीं हूं। कह रहा क्रोध करने वाले मनुष्य के साथ बाइबल बोलती है कि परमेश्वर एक कदम से ज्यादा नहीं चलता। हालेलुया। आपको विश्वास करना है। हम बाइबल में पढ़ते देखो, नीति वचन 14:15 में देखो क्या लिखा। हाँ हाँ। भोला तो हर एक बात को सच मानता है। हाँ। परंतु चतुर मनुष्य समझ बूझ कर चलता है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग भोले हैं यहाँ पर। कह रहे हम तो बहुत भोले हैं। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर लिखा कह रहे कि वो भोलों के साथ चलता नहीं है। भोला तो हर एक बात को सच मानता है, परंतु चतुर मनुष्य समझ बूझ कर चलता है। कह रहे जो चतुर होता है, आज बहुत सारे लोग चर्चों के अंदर जाते हैं और पास्टरों को शिकायत करते हैं, पास्टर जी मेरे साथ ठगी मार ली। एक लड़की थी और वो यूके में गई, बेचारी बड़ी भोली थी और प्रार्थना करती, चर्च जाती, बाइबल पढ़ती, सारे काम करती। उसको वहाँ पर आदमी मिला और उसने कहा कि मैं तू मेरे से शादी कर ले, मैं तुझे चर्च में मिला कि मैं तुझे पीआर दिला दूंगा। उसने कहा ठीक है, उसने शादी कर लिया, टाइम पास किया और छोड़ दिया। उसके बाद फिर भोली थी बेचारी, दूसरा मिला
उसने भी ऐसे कहा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अरे पांच बार ब्याह कर लिया लेकिन पीआर तब भी नहीं मिली, धोखा ही मिला उसको। और जब आपको पता है अगर कोई औरत ऐसी अपनी कहानी सुनाएगी तो बुढ़िया पता क्या करते हैं, कहते बेचारी बड़ी भोली थी, भोली थी, भोले लोगों के साथ परमेश्वर नहीं चलता, रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी परमेश्वर के सामने चर्च में बैठकर, कह रही थी परमेश्वर कहाँ है तू, मेरे दुख को नहीं देख रहा। परमेश्वर कहता मैं भोलों के साथ चलना पसंद नहीं करता, भोली है तू। कह रहे हैं वो चतुर मनुष्य समझ बूझ कर चलता है। इसका मतलब अभी दुबई से किसी ने मुझे बताया हमारी ब्रांच में कि दुबई में बाहर लोग जाते हैं, दुबई में उनके पास वीजा नहीं होता, कई बार खत्म हो जाता है, लोगों के साथ ठगियां करते फिरते हैं। चर्च में क्या किया उसे पूछा, उसको बोलते हैं कह रहे कि एक एक लाख रुपए दे दे, हमारे को एक आदमी ने चार आदमियों से एक एक लाख रुपए ले लिया और भाग गया, अगले दिन स्विच ऑफ कर दिया। और वो लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, कह रहे हम तो तुम्हारे चर्च में आते थे। मैंने क्या कहा कि परमेश्वर भोले लोगों के साथ नहीं चलता। कह रहे हैं कि भोला लिखा, फिर से दिखा, क्या लिखा यहां पर, कह रहा भोला तो हर एक बात को सच मान लेता है। इतने भोले मत बनो यार, अपने पड़ोसी को बोलो इतना भोला मत बन, हर एक बात को सच, कोई नहीं सच मानता सिर्फ विश्वासी, विश्वासियों के अलावा। जो मसीह लोग हैं सबसे ज्यादा ठगी इनके साथ होती है, सही कह रहा हूं कि नहीं, कितनों के साथ ठगी हो चुकी आज तक कितने लोगों का पैसा मार लिया, अपनों ने मार लिया, घर वालों ने नहीं दिया, रिश्तेदारों ने नहीं दिया, परिवार वालों ने नहीं दिया। ये कहते हैं नहीं, यीशु मसीह ने कहा चल माफ कर दो, कोई बात नहीं, ठगी तो मारी है, कोई बात नहीं, इनके साथ होती है ज्यादा ठगियां। लेकिन यीशु क्या कह रहा है, कह रहा है भोला तो हर एक बात को सच मान लेता है, कह रहा है कि परंतु चतुर मनुष्य समझ बूझ कर चलता है। इसका मतलब क्या है आपको आज, मैं ये वचन सिखाने के बाद, मेरा कहने का आज वचन सिखाने का मकसद ये है, आज के बाद तुम चतुर हो जाओ, बुद्धिमान हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। तुम करा घर बैठकर बिजनेस करना स्टार्ट करोगे आज से, आमीन। करा तुम करोड़ों कमाओगे चर्च, मैं ईश्वर से हाथ नहीं मिलाया, सबसे मिलाया, आज ही विश्वास करना है, आमीन। करा के परंतु चतुर मनुष्य, करा के चतुर मनुष्य बूझकर समझ बूझकर। इसका मतलब कि आपको अगर कोई एक बात कह रहा है कि ये लड़का बड़ा अच्छा है, इसका बिजनेस कर लें इसके साथ, तो आपको पहले पूछना है किसी से, पड़ोसी से, क्योंकि परमेश्वर चर्च के अंदर मनुष्यों के बीच में होकर बात करता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको अपने पड़ोसी से पूछना है, हाँ भाई इसका बिजनेस ठीक है कि नहीं, इसके साथ बिजनेस करूं कि नहीं। आप एक दूसरे से सवाल करें, एक दूसरे से पूछें, तब आप बिजनेस करें, नहीं तो ठगियां लगती हैं और लोग परेशान होते हैं। कह रहा भोला तो आगे चलकर दुख उठाता है। हालेलुया। मैंने क्या बताया एक व्यक्ति को बताया, मैंने कहा कि बाइबल बोलती है, यीशु मसीह ने कहा तुम सांप की नाई चतुर हो जाओ, किसके नाई? और एक लड़के के, मैं घर गया, वो ऐसे प्रार्थना कर रहा सांप की तरह। मैं कहा ये क्या कर रहा है? कहता आपने कहा सांप की नाई चतुर हो जाओ। मैंने कहा ये कौन सी प्रार्थना है? मैंने कहा प्रार्थना करने के लिए नहीं बोला, तेरे को स्टाइल करने के लिए बोला है, सांप की तरह से चतुर हो जाओ। परमेश्वर ने कहा चतुर है वो, चतुराई से काम करता है। कह रहा है कि शैतान को मालूम है कैसे चतुराई से चलना है, और शैतान उन लोगों के घर में ज्यादा घुसा रहता है जो लोग भोले होते हैं। हालेलुया। अपने पड़ोसी को देखो, उसकी शक्ल भोला तो नहीं है तू? भोलों के साथ नहीं बैठना, सुन रहे हो कि नहीं? जितने भोले हैं सब पिटेंगे। कह रहा है भोला नहीं बनना, चतुर बनना है। मैं आपको बता रहा हूं कि क्या हुआ कि हाँ हम पढ़ते हैं बाइबल के अंदर, एक जगह और पढ़ते हैं, देखते हैं कि पादरी सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। हाँ, नीति वचन 9:6 पढ़ेंगे, भोलो का संग छोड़ो, हाँ, और जीवित रहो, समझ के मार्ग में सीधे चलो। सारे बोलो हालेलुया, फिर से पढ़ जरा, भोलो का संग छोड़ो और जीवित रहो, समझ के मार्ग में सीधे चलो। अपने पड़ोसी को बोलो भोले के संग छोड़ो और जिंदा रहो। कईयों का पति बहुत भोला होता है, कईयों की पत्नियां बहुत भोली होती हैं। एक आदमी आया और पार्टनरशिप कर लिया उसके साथ, कह रहा इसका शोरूम है बहुत बड़ा, उसके साथ पार्टनरशिप कर लिया, कपड़े की दुकान में पार्टनरशिप हो गया। कहता बहुत भोला है, मेरे पैसे नहीं मारने वाला, शक्ल देखते हैं लोग ना, कहते भोला है, डांट तब डांटते हैं, तो कहते नहीं भाई साहब ऐसे बात करता है। इसका मतलब जो ऐसे बात करता है ना, हाँ जी जय मसीह की, आगे जाकर तेरी टांग टूट जाए, वो भोला है। आप समझ रहे हैं, उसने बिजनेस किया उसके साथ, और यीशु कह रहा है कि भोले का संग छोड़ो, बिजनेस किया उसके साथ, कह रहा है छोड़ोगे तो जीवित रहोगे नहीं तो मर जाओगे।
उसने बिजनेस किया, पार्टनरशिप किया, और वो बेचारा इतना भोला था जिसके साथ पार्टनरशिप किया, उसका शोरूम देखकर कर लिया कपड़ों की दुकान का, उसने लाखों रुपया उसमें लगा दिया। और क्या हुआ लाखों रुपया लगाने के बाद? उसके बाद कह रहे चंपाई, चंपा ने कहा भाई मैं तेरे, जब आपको पता है किसी ने उधार लेना होता तो कितनी बातें करती है, बस कल ही पैसे आ जाएंगे, कल ही इंग्लैंड से, बस कल ही मेरी बुआ दे फूफे ने नाने चाचा मामा ने होने पे आबादने होने होने कल ही बादने। उसने कहा ठीक है चंपा तू ले ले। उसने कह रहे कि सबको उधार देना शुरू कर दिया, जो भी है भोला था ना, कोई भी भोला उल्लू बना के चला जाता था, उसको उधार करने लगा और इतना पैसा उधार कर लिया, लाखों रुपए का उधार हो गया। और जिसने पार्टनरशिप किया था फांसी लगा के मर गया, क्योंकि लोग तंग कर रहे थे, यूदा इस्करियोती फांसी लगाकर मर गया, भोला था। हालेलुया, आप समझ रहे हैं कि नहीं? सिर्फ कह रहा है 30 चांदी के सिक्कों के लिए बिक गया। आज हो सकता है, कह रहा है यीशु मसीह कह रहा है भोले का संग छोड़ो। एक बार दो जन सुसमाचार सुनाने जा रहे थे, एक पादरी ने दो लड़कों को सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा। आपने सुना है अखबारों में खबर देखी है, फलाना फरीदाबाद में गाजियाबाद में फंस गया, यूपी में गया वो फंस गया, आज वहां फंस गया। दो लड़कों को भेजा सुसमाचार सुनाने के लिए, और उसी समय जब वो सुसमाचार सुना रहे थे, और वो सातवां लड़का पता क्या सुना रहा था, वो बेचारा भोला था, कहता यीशु के बारे में गलत नहीं बोलना बिल्कुल भी, हाँ यीशु हमारा ये कर दे वो कर दे ये कर दे वो कर दे। उसने बाइबल पढ़ी ही नहीं है, बाइबल में लिखा जो तुम्हारे साथ बहस करे उस पतली गली से निकल लो। उसके साथ बहस नहीं करना, हमारा काम नहीं है बहस करना, हमारा काम है करें कि दाना डालना, हमारा काम है कि बीज बोना, वचन सुनाना। लेकिन वो बहस करता रहा, और उसी समय दूसरा लड़का बोला, कह रहा यार ये तो पिटवाएगा मेरे को। उसने जाके पादरी को बता दिया, वो दूसरा लड़का मैं ही हूँ। मैंने जाके पादरी को बताया, मैंने कहा यार किसके साथ भेज रहा है मुझे, दो दो के जोड़े बनाकर भेजता चर्च में से, ये तो पिटवाएगा, ये तो बहस करता आगे से। कह रहा मैंने कहा ये तो बड़ा भोला है। कह रहा नहीं नहीं तेरे को क्या लेना। मैंने कहा अच्छा मैं कोई बात नहीं। गया अगले दिन, अगले जाकर फिर कर रहा, कह रहा भाई साहब कह रहा ये आपको नहीं पता, वो एक ने बहस करना शुरू कर दिया, उससे बहस कर रहा, कहता तेरे को नहीं पता अभी यीशु मसीह ने ये काम किया वो किया, कह रहा करके दिखा अभी उठ करके दिखा, और उसके साथ बहस कर रहा था। और उसने कहा अभी, मैंने कहा भाई साहब अभी ये पिटवाएगा, मैं तो भाग गया वहां से। और उन्होंने कहता यीशु कहाँ है, कहता है, मैंने कहा अबे तेरे को पिटेंगे ये, कहता कह रहे नहीं नहीं, कहता तेरे को नहीं पता, उसको कह रहा यीशु हमारे अंदर है, कह रहा यीशु हमारे अंदर है। मैंने वचन खोल के देखा, मैंने कहा प्रभु मुझे वचन दे, लिखा परमेश्वर भोलों के साथ नहीं है, भोलों के साथ छोड़ो और जिंदा रहो। मैंने कहा बेटे वचन भी ऐसा ही मिला, मैं तो भाग गया वहां से। कह रहा यीशु मेरे अंदर है। मैंने कहा तेरे अंदर नहीं आती यीशु मसीह। मैं तो भाग गया, उसकी देह दलादन पिटाई हुई, मैं भाग गया वहां से। मैंने जाता भोलों के साथ, भाई साहब मेरे साथ कोई भोला नहीं मिलेगा, पुलिस वाले भी भोले नहीं है मेरे साथ। सारे चतुर हैं, मेरे पीएसओ भी चतुर हैं, मेरे मेंबर भी चतुर हैं, ध्यान रखते हैं उधर। हालेलुया, बोला नहीं हूं मैं। ना मुझे भोले पसंद है। अब आपको फैसला आपको लेना है, भोलों के साथ चलना है कि यीशु के साथ चलना है। अरे भोले के साथ तो बहुत दिन चलते हैं, हाँ के ना। फैसला आपको लेना है, करा भोले का संग छोड़ो, जिंदा रहो आज यीशु मसीह के नाम में। आपके काम खुल जाए आज रात यीशु के नाम में, आपके काम बनने लगे आज से। आमीन। करा भोले है जिसकी मर्जी साथ एक कर रिश्ता कर देते हैं, भोले है जिसकी बात में आ जाते हैं, करा भोला सच मान लेता सारी बात को। एक लड़की आई फेसबुक पे फोटो देखी, उसने कहा वाओ मस्जिद,